नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना प्यार देते हैं, चाहे लास्ट लेक्चर हों चाहे और भी मेरे फिल्मी सॉन्ग्स पर आधारित जो लेक्चर्स हैं, आप इतना प्यार देते हैं। तो शुक्रिया कहना एक बहुत ही छोटा शब्द होगा। मैं और सेवा को अपना रिफाइंड करना चाहूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देना चाहूँगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस आप सभी के लिए लेके आया हूँ, प्रैक्टिस टू मास्टर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ नोट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हर प्रकार का आप संगीत उठाइए, चाहे दक्षिण भारत का उठाइए, चाहे वेस्टर्न उठाइए, चाहे हमारा नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, 12 स्वरों पर आधारित ये संगीत है। तो 12 स्वरों में 3 प्रकार के स्वर हैं, शुद्ध, कोमल और तीव्र। तो इन 3 प्रकार के स्वरों का आपका अभ्यास हो जाए, उसके लिए हमारे थाट व्यवस्था के अंतर्गत 3 थाट ऐसे हैं जिसमें तीनों ही प्रकार के स्वर हैं, मतलब कोमल भी है, तीव्र भी है और शुद्ध भी है, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। तो आज मैं तोड़ी को मद्देनज़र रखते हुए हर प्रकार के स्वरों का आपका अभ्यास लेके आया हूँ, मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें कोमल, तीव्र और शुद्ध तीनों प्रकार के स्वरों का आपका अभ्यास होगा, लेकिन राग के नियम को फॉलो करते हुए। मतलब ये राग तोड़ी के मैं कुछ फ्रेजेस आपके लिए लेके आया हूँ, सरगम लेके आया हूँ, जिसके अभ्यास से आप हर प्रकार के स्वर को आत्मसात कर सकते हैं, अपने फोनेटिक्स इम्प्रूव कर सकते हैं, स्वर ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पहला जो सरगम है वो आपके समक्ष रखता हूँ। देखिए, तोड़ी में रे, ग, ध, ये 3 स्वर कोमल है, मध्यम तीव्र है, निषाद शुद्ध, बाकी सा और प तो अचल हैं। तो माधा की जो संगति है वो राग तोड़ी में हमें देखने को मिलती है। तो इस रिस्ट्रिक्शन को मैं रखते हुए आपको ये सरगम सिखाऊंगा, मतलब सा रे ग म प म ध नि सा। तो सरगमा प ध नि सा, ये थाट तोड़ी हो जाएगा, लेकिन राग तोड़ी क्या होगी, सरगमा प म ध नि सा। तो प से आगे बढ़ने के लिए पहले मध्यम पर आ रहा हूँ, प म ध नि सा, या फिर सरगमा ध नि सा, ऐसे भी जा सकते हो आप। और लौटते टाइम तो 7 स्वर लगेंगे, क्योंकि पंचम आप लौटते टाइम भी स्किप कर दोगे तो वो गोजरी तोड़ी हो जाती है। सा नि ध प म ग रे सा, ये मेरा एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा इन सरगम में, इन पलटों में जो मैं आपके समक्ष रखूँगा। तो पहला पलटा देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सारे ग रे सा रे ग म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म ध प म ग रे सा रे ग म ध नि ध प म ग रे सा रे ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा। स्वरों को मॉनिटर करते रहिए हारमोनियम पर, सा नि ध प म ग रे सा। तो सरे ग म ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा, तो देख रहे हैं, रे सा नि ध प म ग रे सा। अब अगर आपका गले का धर्म अलाउ करता है गंधार तक जाइए, सारे ग म ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा रे सा। तो मैंने रेसा का अंग इसलिए जोड़ा ताकि वो 3 ताल में फिट आ जाए, ठीक है। अब इसको वापस एक बार मेरे साथ दोहराइए, सारे ग रे सारे ग म ग रे सारे ग म प म ग रे सारे ग म ध प म ग रे सारे ग म ध नि ध प म ग रे सारे ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सारे ग म ध नि सारे सा नि ध प म ग रे सारे ग म ध नि सारे ग रे सा नि ध प म ग रे सारे ग म प सारे ग म प। कोमल भी आ रहा है, तीव्र भी आ रहा है और पंचम तो है ही हमारा अचल स्वर। तो सारे ग माधा सारे ग माधा माधा, तो माधा में जंप भी आ रहा है, सारे ग म ध नि शुद्ध भी आ गया, तो रे ग म ध नि ध प म ग रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो हर प्रकार के स्वर को कवर कर रहा है। अब इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, मतलब सारे ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा, एक और आपको मैं पैटर्न बताता हूँ।
सा जा जा रे सा सा रे 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 गा रे रे गा 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 मा गा गा मा 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 पा मा मा धा धा धनी धा धा नी 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 सा नी नी सा 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 रे सा सा। तो आप एक चीज नोट कीजिए, गा 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 मा गा गा मा 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 पा मा मा। अब इसके बाद प प प ध प प ये नहीं लिया, क्योंकि प ध मैंने आपको बताया राग तोड़ी में प ध की संगति अलाउड नहीं है, इसलिए क्या किया, गा 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 मा गा गा मा 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 पा मा मा धा धा धनी धा धा नी 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 सा नी नी सा 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 रे सा 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 रे सा सा नी 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 सा नी नी धा धा धनी धा धा मा 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 धा मा मा गा 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 मा गा गा रे 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 गा रे रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा सा। आप नोट कीजिए सा 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 रे सा सा की तिहाई की जोड़ी, ताकि तीन ताल में फिट आ जाए। देखिए तालबद्ध तरीके से रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसिप्लिन हमारा ऐड करता है, रिफाइंड करता है रियाज को। आप खुद देखिए, जा 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 रे सा सा रे 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 गा रे रे गा 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 मा गा गा मा 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 पा मा मा धा धा धनी धा धा नी 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 सा नी नी सा 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 रे सा 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 रे सा सा नी 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 सा नी नी धा धा धनी धा धा मा 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 धा मा मा गा 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 मा गा गा रे 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 गा रे रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा सा सम। तो देखिए आया कि नहीं पूरा ताल में, इसको आकार में कर लो, गमक युक्त रियाज हो जाएगा तोड़ी में। तो सारे गा मा धनी सा नी ध प मा करे सा। इसमें बताओ कवर हो रहा है कि नहीं हर प्रकार का स्वर। तीसरा एक और पैटर्न बताता हूँ। अब ये भी है तो गमक का ही एक रूप, आप इस तीसरे पैटर्न को भी अगर आप आकार में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन गरे गरे सा सा मा गा मा गरे रे पा मा गा गा, लेकिन आपको स्वर का विजुअलाइजेशन बहुत बढ़ेगा इससे। 3 2 3 2 1 1 4 3 4 3 2 2 5 4 5 4 3 3, ये मैंने पैटर्न रखा। गरे गरे सा सा मा गा मा गरे रे पा मा गा गा ध प ध पा मा मा। सो पा मा गा गा के बाद धा आ सकता है तोड़ी में। धा पा मा मा नी ध नी ध ब ब सा नी सा नी ध ध रे सा रे सा नी नी गा रे सा सा। सो मेरा आरोहात्मक क्रम क्या हुआ, गरे गरे सा सा मा गा मा गरे रे पा मा गा गा ध प मा मा नी ध नी ध ब ब सा नी ध ध रे सा नी नी गा रे सा सा। समझ रहे, अब वापस लौटिए। गरे गरे सा सा रे सा रे सा नी नी सा नी सा नी ध ध नी ध नी ध मा मा, ये नोट कीजिए। नी ध नी ध प प ध प, तो प ध आ जाएगा इसमें, इसलिए आ 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 सम से उठाएंगे। गरे गरे सा सा मा गा मा गरे रे पा मा गा गा ध ब ध प मा मा नी ध नी ध ब ब सा नी ध ध रे सा नी नी गरे सा सा रे सा नी नी सा नी ध ध नी ध नी ध मा धा मा गा गा मा गा मा गरे रे गरे गरे सा सा गरे गरे सा सा। तो गरे गरे सा सा की डबलिंग कर लीजिए तो तीन तल में फिट आएगा। अब इसको आकार में कीजिए तो तोड़ी का गमक का रियाज। सनी सनी ध ध नी ध नी ध मा मा, ये ध्यान रखना है। धमा 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 गा मा गा रे गरे गरे जा जा। तो ये तीन पैटर्न मैंने आपको बताए, तो कुल मिला के पहला मैंने बढ़त का बताया, सारे गरे सा सारे गा मा गरे सारे गा मा पा मा गरे सारे गा मा धा पा मा गरे सा। समझ रहे,
फिर एक मैंने बताया आपको सा जा जा रे जा जा रे 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 गा रे रे गा 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 मा गा गा मा 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 पा मा मा धा 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 नी धा धा, मतलब एक आलंकारिक पैटर्न बताया और फिर एक गमक युक्त गा रे गा रे जा जा मा गा मा गा रे रे पा मा गा गा धा पा मा मा नी धा बा बा सा नी धा धा रे सा रे सा नी नी गा रे गा रे जा जा रे सा रे सा नी नी सा नी धा धा नी धा नी धा मा मा धा मा धा मा गा मा गा रे रे गा रे गा रे जा जा गा रे गा रे जा जा। देखिए आपका कितना हर प्रकार के स्वर को समझने का एक जो दृष्टिकोण है वो इम्प्रूव होता है, स्वर आपको दिखेंगे। पर ये तीन थाट ऐसे हैं जिसको हम प्रैक्टिस में शामिल नहीं करते, इसलिए मेरा लक्ष्य था कि इस प्रैक्टिस को मैं आपके समक्ष इस वीडियो में प्रस्तुत करूं। थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिए आगे किस प्रकार के आपको वीडियोस चाहिए। ये पूरा जो कंटेंट है पलटो का ये मेरे मेंबर्स कम्युनिटी टैब पर मैं शेयर कर दूंगा, ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स दे ही रखी हैं, एक अभ्यास का मेरा बैच है, रियाज का भी बैच है जिसमें इस प्रकार की मैं टेक्निक्स एक राग को मद्देनज़र रखते हुए सिखाता रहता हूँ। ज्वाइन कीजिएगा, आपकी सेवा में ये सेवक हाजिर है। ओम शांति।